था कि एक तो विकास केडिया जी का लगभग 6600 कुछ रुपए उनसे भुगतान लिया गया और उनको 6600 की रसीद दी गई और नगर परिषद में 1600 रुपए जमा किया गया। पिछले 3 साल का टैक्स को खा गया गया और करेंट ईयर का जो है नगर परिषद नगर निगम में जमा कर दिया गया। तो इसमें तो जो है पार्टी जो 3 साल का टैक्स दिया वो तो डिफॉल्टर हो गया कि 1 साल का करेंट में जमा कर दिया, पिछले जमा नहीं किया गया इस मामला का। और दूसरा लालू सामंतो जी का एक मामला सामने आया था जो कि उनके यहाँ जल का कनेक्शन है ही नहीं और उन्होंने काफी बार चिट्ठी दिया नगर निगम को कि इनका जल कनेक्शन नहीं है, जांच किया जाए। और जांच नहीं करने के बावजूद इनको चिट्ठी जब मिल जाता है कि आपका जल कनेक्शन काट दिया गया है और आज तक का इतना रुपए का बकाया आपको भुगतान आपको बता देता हूं। और ये प्रशांत भाटिया जो मामला है, इस मामला के लिए नगर आयुक्त ने फिर हमें कहा था कि 23 तारीख को चुनाव से मैं गिनती वापस आ रहा हूं, फिर इस मामला को देखूं जांच करूंगा। तो मैं यही अनुरोध करूंगा गिरिडीह के उपायुक्त महोदय से, नगर आयुक्त से कि इस मामला को जांच कमेटी गठित कर इस मामला की पूरी तरह जांच हो और दोषी और भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई अति शीघ्र किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इसके लिए रोड पर बैठना पड़े या नगर निगम का घेराव करना पड़े, उसके लिए हम सब सक्षम है। जब हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो जनता के साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा ये हम नहीं बता सकते।